हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड जोन घर का बावर्ची। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी शीश कबाब। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और ये हैदराबादी शीश कबाब काफ़ी वायरल हुआ हुआ था, तो मैं आपके सामने इसकी रेसिपी ला रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 किलो मटन कीमा। इसे अच्छे तरीके से वॉश करके इसका पानी निकाल लिया और इसका पेस्ट बना लिया, यानी इसे अच्छे तरीके से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। इसके बाद मैंने 1 बेल पेपर रेड और 1 बेल पेपर येलो और 1 अनियन बड़े साइज़ का लेकर चॉप किया। इसके साथ ही मैं हरे मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने हरी मिर्च, कोथमीर और हरा धनिया ले लिया था। यहाँ पर सूखे मसालों में मैंने गर्म मसाले, चिली फ्लेक्स, नमक और काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है। ये मैंने 1 चाय का चम्मच ले लिया और मैं यहाँ पे 2 कप जितना ब्रेड क्रम्स को ऐड कर रही हूँ। आप इसके अंदर एग भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे एग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पर मैंने मटन कीमे को ले लिया। यहाँ पे मेरे पास घर में, अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स है तो आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट वहाँ पर आपको ऐसे करना है कि उसके स्टमक में आपको गैप क्रिएट करनी है, ताकि ये अंदर भी अच्छी तरीके से पक जाए। मैंने यहाँ पे नाइफ़ को ले लिया था, क्योंकि मैं इंस्टेंटली ये रेसिपी बनाने जा रही थी, तो मेरे पास कुछ सुधरा नहीं मुझे, और मैंने नाइफ़ लेकर इसे शीश कबाब के स्टाइल में कबाबों की तरह बना लिया। यहाँ पे उसको मैंने शैलो फ्राई किया है, बहुत ही कम ऑयल डाला था नॉनस्टिक के पैन में, और सारे ही कबाबों को एक जगह डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से एक साइड भूनने के बाद आप इसे पलटा देंगे, और पलटाने के बाद में इसे 10 से 15 मिनट तक ढक्कन लगाकर और स्लो फ्लेम पे बनाएंगे। तो काफ़ी टेस्टी ये रेसिपी बनके रेडी हुई थी। आप ज़रूर इसे रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे रहनी ऑन यूट्यूब और फूड जोन घर का बावर्ची इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू।